प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरीज नदीम नासरीन कहा जाता है कि करो मेहरबानी तो अहल ज़मीन पर ख़ुदा राजी होगा तुम पे अर्शे बरी पर नासन डॉक्टर जो कि एक बहुत ही मुकदस पेशा है और लोग बहुत ही मतलब अपने एक वेल विशेर फील करते हैं डॉक्टर्स को और डॉक्टर्स का अगर पेशा माना जाए और देखा जाए तो लोगों के लिए एक मसीहा है तो आज हम फिजिशन डॉक्टर ताहरा तालब के पास मौजूद है इनसे जानते हैं कि इनके पास पेशेंट्स किस तरह के आते हैं और ये किस तरह उन्हें डील आउट करती हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस तरह आजकल देखा जाए तो बीपी का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटों में और बड़े बूढ़े सभी इस चीज़ का शिकार है स्मर्स का शिकार है और उसके बाद अगर बात की जाए कॉन्स्टिपेशन की यूरिक एसिड की तो आजकल जो है ना इसके भी इश्यूज बहुत ही ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो बी का है और यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया ये लो ब्लड प्रेशर हो गया वो जानेंगे कि किस वजह से होता है और अगर हो जाए तो उसकी क्या क्या इलाम होती हैं और उनसे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है और होप्सो कि प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अलग वालेकाम डॉक्टर मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जिस तरह आप जानती हैं कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू आजकल हाईलाइट चल रहा है वो बीपी का है बी तो सबसे पहले आप ये बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया या लो ब्लड प्रेशर हो गया ये किस तरह होता है इसकी क्या वजूहत हैं और किस तरह पता चल सकता है कि इसकी इलामत ये हैं जी आ, बे बेसिकली ब्लड प्रेशर की कहीं इलामत हैं और मख्तलिफ़ उम्र में मुख्त लोगों में मर्दों औरत में मुख्तलिफ़ तरीके से ये हमारे पास आता है मर्दों में ज़्यादातर जो जो खुराक की ज़्यादि होती है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होती है उसकी वजह से आजकल और कुछ फैमिलीज़ में रन करता है स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से मर्दों में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है इसके अलावा औरतों में भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है क्यों क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा आ, ऐसा है कि एक्सरसाइज नहीं है मर्दों में भी औरतों में भी और डाइट भी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से औरतों मर्दों दोनों में जो है बहुत ज़्यादा प्रावलेंट हुआ हुआ है दूसरा यह कि कुछ फैमिली हिस्ट्री ऐसी है परहेज़ नहीं है और इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसका जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो कि मतलब मैं आपका कहने का मतलब है कि मेडिसन्स के बगैर क्या हम बीपी पे काबू पा सकते हैं बिल्कुल पा सकते हैं आप अपना डाइट चार्ट अच्छा रखें डॉक्टर को फॉलोअप अच्छा रखें प्रॉपर अपने टेस्ट करवाएं कुछ एज ऐसी होती है खासकर थर्टी के बाद फोर्टी मेल्स में जरा जल्दी आ जाती है खासकर ऐसा पे मेल है जो कि स्मोकिंग करता है या जो आ, उसका सडेंट्री लाइफ स्टाइल है ऑफिस वर्क है बैठे रहना है तो उनमें बहुत जल्दी आ जाता है तो तीन में और बच्चों में आजकल आप देखें तो बच्चे भी जो है ना वो बीपी का शिकार हैं उसकी क्या वजह बीपी का शिकार बच्चे जो है चूंकि फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं कंप्यूटर के आगे मोबाइल के आगे बैठ रहते हैं और अवेयरनेस नहीं होती तो उसकी वजह से भी बच्चों में भी बहुत ज्यादा कॉमन होने लग गया है और चूँकि डॉक्टर को फॉलो अप अच्छा नहीं करते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं जो रिकमेंड करने रूटीन के टेस्ट होते हैं वो अगर हमें हम टाइमली करवा लें और अगर हम टाइमली डॉक्टर को फॉलोअप करवा लें तो ये बी को प्रिवेंट किया जा सकता है इसके अलावा अगर औरतों बच्चों और बड़ों में ब्लड प्रेशर हो जाए तो अच्छे फॉलोअप के साथ इसको अच्छा कंट्रोल भी दिया जा सकता है ठीक हो गया अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक है इससे तमाम बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं तो इसके हवाले से जैसे कहा जाता है कि वही फाइबर वाली आप चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें पानी ज़्यादा होगा इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस काबू पाया जा सकता है और यूरिक एसिड का जो मसला है वो भी हमारे पाकिस्तान में छोटों में बड़े बूढ़े सब इस चीज़ का मतलब मोस्टली आप देखें तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ का शिकार हैं इसके क्या वजुहत है कि यूरिक एसिड का ये मसला हो जाना देखिए ब्लड प्रेशर हो गया शुगर हो गया यूरिक एसिड हो गया कॉन्स्टिपेशन हो गया ये ऐसे मसाइल हैं जो मेरे पास जब मरीज आते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें डाइट के ऊपर कौनसल करती हूँ कि आपने कौन सी खुराक लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है दवाई तो बाद में आती है ना जब हम टेस्ट करवाते हैं हमें पता चलता है यूरिक एसिड इतना बढ़ा हुआ है फिर हम दवाई की तरफ जाते हैं लेकिन ऐसे पेशेंट जो कि मशवरा जब पूछते हैं तो फिर मैं सबसे पहले खुराक पे आती हूँ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है Uh, क्योंकि पानी का इस्तेमाल सही नहीं है बच्चों में फाइबर का इंटेक अच्छा नहीं है फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा नहीं है और रोटी का इस्तेमाल इस तरह मतलब अच्छा, बहुत सारी वजूहत हैं और इसके अलावा यूरिक एसिड में भी हम हमें यह नहीं पता कि हमने कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी है और हमने किसको कि, किस तरह से प्रिवेंट करना है तो जब ये चीज़ें अब मरीज़ को अवेयरनेस होती है जब वो अपने ऊपर लागू करता है तो ये सारी बीमारियाँ दवाइयों से पहले ठीक की जा सकती हैं उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डेफिनेटली वो फिर आपको कोई मेडिसिन स्टार्ट करेंगे आपको फॉलोअप बताएंगे फिर आपको टेस्ट बताएंगे उन चीज़ों पर फिर जो है ये हमें पेशेंट को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए जिस तरह आप अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी हैं और गाइनोकोलॉजिस्ट भी हैं तो इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं उनमें ये मसाइल होते हैं तो उनका बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल आ जाता है उनको आप किस तरह डील मेरे पास ज़्यादातर चूँकि मैं फीमेल हूँ हूँ तो मैं फैमिली फिजिशियन लेकिन मेरे पास ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं और उनके पास बहुत सारे मसाइल होते हैं अल्ट्रासाउंड के हिसाब से अगर हम कहें तो डेफिनेटली जो हामला औरतें होती हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा है ठीक है उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है उनको अगेन डाइट के साथ और मेडिसिन के साथ हम ट्रीट करते हैं प्लस किडनीज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे प्रेगनेंट पेन uh, जो होती हैं किडनी पेंस किडनी स्टोन्स यूरिन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो ये मैं अब इस तरह से ये है कि पेशेंट को हम uh, सबसे पहले काउंसिल करते हैं ठीक है कि आपने कौन सा टेस्ट करवाने हैं कौन से नहीं करवाने हैं कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं खानी है तो खास कर जो हमला औरतें होती हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा एहतियात होती है उनकी जो मेडिसिन है उनके जो खुराक है उस पर बहुत ज़्यादा जो है हमें एहतियात करनी पड़ती है तो मेरे पास ज़्यादातर जो है वो फीमेल पेशेंट्स आती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं या जो प्रेगनेंसी के बाद आती हैं तो उनके मसाइल फिर हम उसी तरीके से हल करते हैं जिस तरह के उनके मसले होते हैं तो हो उसको फिर अच्छा आपका मतलब तेरह सालों का एक्सपीरियंस जी एक बहुत मतलब लॉन्ग जर्नी होती है अब मुझे ये बताएं कि आपने अपना जो एक ट्रैवल था ये जर्नी थी किस तरह स्टार्ट की और किन किन मुश्किलात का सामना किया फ़ीमेल के लिए हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं ठीक है नहीं। नहीं। उसमें हमारे हमें अपना घर भी देखना पड़ता है हमें अपना फैमिली को ले चलना पड़ता है उसके साथ स्टडी करना उसके साथ ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होता है आ, लेकिन जब हम कुछ चीज़ ठान लेते हैं करने के लिए तो फिर वो करना पड़ता है और अपने प्रोफेशन के साथ ज़ाहरा अगर आप हो के अपने करना है तो फिर आपको करना पड़ता है उसमें आपको घर भी निगलेक्ट होता है बच्चे भी निगलैक्ट होते हैं और काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ता है ठीक तो। हो गया अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या रेफर करेंगी कि कम से कम इंसान को अपना जो डेली रूटीन चेकअप है वो कितनी बार करवाना चाहिए मंथ में या वीक में कब आना चाहिए और कौन से ऐसे जरूरी टेस्ट हैं जो उसे करवाने चाहिए Uh, हर पेशेंट को चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है रूटीन के जो टेस्ट हैं जो हम रिकमेंड करते हैं एज uh, के हिसाब से उसमें सी बी सी आ जाता है एल एफ टीज़ आर एफ टीज शूगर का टेस्ट है यूरिन टेस्ट है और लिपिड प्रोफाइल है ये छः ऐसे टेस्ट हैं जो बेसिक टेस्ट हैं जो हर पेशेंट को कराने चाहिए hmm. uh, व, 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 मतलब मुख्तु प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लाइक किसी को कोई बॉडी एक्स हो सकती हैं जोड़ों में दर्द है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो बात की बात है लेकिन जो बेसिक टेस्ट हैं वो ये हैं अच्छा उसके अलावा हमें जो है ना तकरीबन हर दो हफ़्ते बाद डॉक्टर को फॉलोअप ज़रूर करवाना चाहिए अगर कोई मसला है तो अगर ब्लड प्रेशर है शुगर है यूरिक एसिड है दो हफ़्ते बाद आप अपना फॉलोअप अच्छा रखें डॉक्टर के साथ लेकिन एक दफ़ा जब कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो बेशक एवरी मंथ भी आप करवा सकते हैं ठीक है मतलब ये तो एक हो गया ना कि जो पेशेंट्स हैं वो अगर कोई बिल्कुल ठीक है लेकिन उसको भी अपना चेकअप लाजमी करवाना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी कह लें एलिमेंट्स होते हैं कुछ ऐसी कह लें कि बीमारियां होती हैं जिनका मतलब पता नहीं, नहीं चलता, पता चलता, चलता और देन जब आप उसको इग्नोर करते हैं ऐसा होता है कि आपको ज़रा सी हेड है फिर वास्त आहिस्त ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है आपको चक्कर आ रहे हैं आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फिर वही मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं प्रिवेल इस तरह आ जाते हैं कि फिर टाइम वो बहुत ज़्यादा कह लें कि क्रॉनिक हो जाते हैं क्रॉनिक हो जाते हैं और आपकी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह की जो आपके अंदर पाई जाती हैं या आपका आज क्योंकि आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि आपको जरा सा भी हेड है तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि जिस तरह की हमारा दौर चल रहा है या जिस तरह की हम खुराक भी खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं है तो उस हवाले से आप क्या कहें जो नॉर्मल पेशेंट है जो हेल्दी है उसको तो एवरी सिक्स मंथस डॉक्टर को विजिट करवाना चाहिए ठीक है ये तो एक कॉमन चीज़ है अगर आपको कोई सडन प्रॉब्लम आ रहा है एक मिसाल के तौर पर हेड है उसके साथ आपको नजर से ही नहीं आ रहा तो आप उसी वक्त डॉक्टर को दिखाएं ठीक है उसी वक्त जैसे आपको डॉक्टर रेफर करे जो टेस्ट आपको आप उसी वक्त करवाएं प्लस अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है सडन पे, पेट में दर्द शुरू हुआ है या सडन कोई ऐसी बीमारी आपको आ रही है कि कमर में दर्द सडन शुरू है तो वो तो आपको है कि उसी वक्त आपने डॉक्टर को दिखाना है प्लस अगर आप नॉर्मल हैं हेल्दी हैं तो एवरी सिक्स मंथ्स आप जो है ना डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें और उससे आप अपना जो है वो मेडिकल चेकअप करवाएं और रूटीन के टेस्ट एवरी सिक्स मंथ जरूर करवाने चाहिए ठीक हो गया नाजन एज यू नो के मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर जो हैं इनका एक कैंप भी होता है जिसमें ये पेशेंट्स को चेकअप करती हैं फिर उनके अलावा उनको मेडिसिंस भी जो है वो फ्री फ्राहम करती हैं लेकिन उसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड का कोई पेशेंट आ जाता है तो उनका अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है तो कहते हैं जी ख़दत ख़ल कै नबात है इस हवाले से आप क्या कहेंगे जो आप कैंप लगा रही हैं माशाल्लाह इससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं काफ़ी फैसिलिटीज़ आप उन्हें दे रही हैं तो जब आपके कैंप में लोग आते हैं तो वो उनमें क्या क्या मतलब इलामत होती हैं वो ज़्यादातर पेशेंट्स किस चीज़ की होती हैं आज तो ज़्यादातर पेशेंट बुखार के आ रहे हैं फीवर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं प्लस बच्चों में जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो भूख ना लगना और पेट में दर्द ये बहुत कॉमन है इसके साथ आ रहे हैं प्लस दूसरा जो फीमेल्स हैं उनके अगेन गायनी के, के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हमल के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं मेरे पास तो फ्री कैंप में लगाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत मुहैया की जाए उसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो तकरीबन फ्री के मुकाबले पे ही लगाया जाता है और उसमें मैं हर मरीज़ का बच्चों का और औरतों का अल्ट्रासाउंड करती हूँ साथ दवाइयाँ उनको फ्री दी जाती हैं इसके अलावा फ़्री इनको इलाज मुहैया किया जाता है कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं चीज़ से मुस्तफ़ हो सके मुस्तफ़ हो सके क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है कुछ लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते और अपने जो बीमारियाँ होती हैं उनको उनको छुपाना पड़ जाता है या वो अपने घर के कुछ इस तरह के हालात देख के वो बाहर नहीं निकल पाती हैं डॉक्टर्स की मेडिसन्स देख के वो कहती हैं जी चलो कोई बात नहीं हम फिर कभी कर लेंगे फिर वो छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं वो ज़्यादा बिल्कुल और हमारे हाँ माशरे में है भी औरतें थोड़ा सा डोमिनेट नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं है तो मर्द बाजा खर्चा नहीं देते तो इसलिए सोचा था यही है कि आ, एवरी टू वीक्स जो हम कैंप लगा लें ताकि जो औरतें जिनके पास इस तरह के मसाइल हैं जो अल्ट्रासाउंड के पैसे नहीं दे सकती दवाइयों के पैसे नहीं दे सकती उनको हम इस चीज पे फायदा तो कैंप में आपने बहुत ही कम अमाउंट रखी है अल्ट्रासाउंड की जी थ्री हंड्रेड चार्जेज है और मेरा नहीं ख्याल के मेरा यही मशवरा होगा कि जो पब्लिक है वो आपके पास आए क्योंकि 300 हंड्रेड चार्जेज़ में अल्ट्रासाउंड हो जाना प्रॉपर उनको एक गाइडलाइन मिल जाना और उनकी जो मसाइल हैं उनके सामने खुल के आ जाना तो 300 मेरे ख़्याल से कोई भी चीज़ नहीं है कोई चार्जेस नहीं है इस आज के महंगाई के दौर में तो आई थिंक सो कि लोगों को आना चाहिए और अपने मसाइल बताने चाहिए और जो भी उनके अंदर इनरली जो है इंटरनली मसाइल छुपे हुए हैं वो खुल के आने चाहिए अब चाहे पब्लिक को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे क्योंकि इस तरह आप देखें कि डेंगी का भी एक बहुत ज्यादा मसला निकला हुआ है मलेरिया का हो गया तो उस हवाले से कुछ लोग नहीं भी सीरियस होते ठीक है मजाक समझ आ... लेते हैं जिस तरह कोविड को भी मजाक समझा हुआ था तो अभी आप डेंगू के हवाले से लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे मैं तो सबसे पहले जो है जो मैंने तेरह साल में अपने मरीजों के अंदर देखा है कि उनका पास फॉलोअप नहीं है पेशेंट्स में डॉक्टर अगर कहेगा आपने तीन दिन बाद आना है तो उसने किसी वजह से कहा है तीन दिन बाद आना है ठीक है तो मरीज नहीं आते डेंगी हो मलेरिया हो कोई भी फीवर हो वो हर जो बुखार है वो तरीके से प्रजेंट करता है और ये डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है कि कौन सा बुखार है और जो घर में सेल्फ मेडिकेशन पेशेंट करते हैं उसे अवॉइड करें क्योंकि आपको नहीं पता कि वो दवाई आपको किस तरह रिएक्ट कर जाएगी और वो उसका फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा अच्छा भाई अब हर घर की एक ना वो कह लें कि एक मसला हो गया पैनाडोल बिल्कुल ठीक है पैनाडोल एक्स्ट्रा या कोई भी पानाडोल है अब मेरा ख्याल है कि कोई भी मेडिसिन यूज़ करें वो डॉक्टर की परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए डॉक्टर से आप उसको कंसल्ट करें और दैन फिर आप उसे यूज़ करें ये लोगों में जो आजकल ये बीमारी फैली जा रही है जी पेनाडोल ज़रा सा भी हेड हो गया पैनाडो ले लें फीवर हो गया पैनाडो ले लें उसके बारे में आप क्या कहेंगे पैनाडो हो गई बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो घर में पड़ी हैं और मरीज़ खा लेते हैं ठीक है और पेनाडोल जितना गुर्दे उड़ा रही है ना उतना कोई नहीं उड़ा रहा ठीक है आपको पता ही नहीं कि आपने पेनाडॉल कितनी खानी है और कब खानी है और कब नहीं लेनी है ठीक है और हो सकता है कि वो पैनाडो आपको असर ही ना कर रही हो क्योंकि आप इतनी दवाइयां खा चुके होते हैं कि वो दवाइयाँ आपको असर नहीं करती दिक्ष्ट। प्लस दिक्ष्ट। दूसरा ये कि जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में फीमेल्स में अवेयरनेस नहीं है जो जिसने कहा ये कर लो वो कर लो वो कर लेती हैं वो अपना अपनी हेल्थ नहीं देखती और जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं फिर वो आती हैं डॉक्टर के पास और फिर डॉक्टर क्या कर सकता है डॉक्टर तो एक टेस्ट एडवाइस करेगा या मशवरा दे देगा या वो आपको यही कहेगा कि आपको जल्दी आना चाहिए था लेकिन अगेन मेरा तो मशवरा यही है कि अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें ताकि जो आपके मसाइल हैं वो पहले तशकीस हो सकें और उसके बाद उसका अच्छा इलाज हो यहाँ पे औरतें ऐसी हैं कि अगर उसको उस मेडिसिन से आराम आ गया तो हम हाँ, हाँ भी वही वाली ठीक है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है समटाइम इस तरह रिएक्ट कर जाती हैं कि जान जाने का भी खतरा हो जाता है भी भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा नाजरीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्ताम को है आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद